One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. My name is Radha Kashmir. क्योंकि प्रोजेक्ट पे कोई मूवमेंट नहीं है, उनको सन्नाटा छाया हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, समय सीमा छह साल से ऊपर चली गई, जितने बाहर से आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब जो है 72 मंथ क्रॉस कर रहे हैं, और आगे भी कोई भी अगर आज भी काम शुरू होने लगे तो इतना काम है कि 2-3 साल और लगे। अभी किस स्टेज पे आपका फ्लैट? केवल ढांचा खड़ा है और बाकी कुछ नहीं है। ढांचा केवल ईंटों का ढांचा है, उसके बाद यानी 40% है, 60% का काम और होना है। तो आपकी क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में किसी से बात हुई, क्या आपने कोई अपना रिटर्न में ऐसा है कि सर्वविदित है, रिटर्न वाली बात नहीं, इंडिविजुअल का कोई मामला नहीं, यहाँ 1, 2, 3, 4 का नहीं, यहाँ 10-20 हज़ार आदमियों का मामला है, और गवर्नमेंट अच्छी तरह से परिचित है दोनों मामलों से, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी जालसाजी है ये, इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट जो है गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन और जो अधिकारीगण थे 2008 से 14 तक, ये सब 2008 से 14 तक के जो भी अधिकारी लोग थे, ये सब इन्वॉल्वमेंट थे, चाहे नेता थे चाहे अधिकारी, कोई इसमें पाक साफ नहीं है। इसमें मायावती गवर्नमेंट जिन्होंने भूमि का कोटा दिया है और उनको डेवलप किया, उसमें पेड़ लगाया, जो जो ठोके का पेड़ जो है अखिलेश ने खड़ा किया, आज हम नियते खड़े हैं। लेकिन एक भरोसा था, पर देश में 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई और अब योगी जी की सरकार आई, तो बहुत बड़ा भरोसा बंधा हुआ था, लेकिन शायद हम सोच रहे हैं कि हमारे भरोसे से भी ये दोनों हार रहे हैं। अगर मोदी जी अपने मन की बात को 125 अरब के देश को देते हैं और हम सुनते हैं, किसी ने आज तक कोई एक सिंगल आदमी नहीं जो उनकी मन की बात को कटाक्ष करे हैं, लेकिन हम आज कहते हैं कि हम 5-7-10-20 हज़ार लोग हैं यहाँ पे, इनकी बात को योगी जी सुने और मोदी जी सुने और अपने आश्वासन दें, उनके सरकार की जो अथॉरिटियाँ अपना बकाया वसूल करने के लिए अपने जो लीगल तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, किन्हीं को अरेस्ट कर रही है, 4 करोड़ वसूल करना, 5 करोड़ वसूल करना, लेकिन बाइट्स का जो 40 करोड़ है इसका क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। मेरी उम्र 60 साल में मैं रिटायर हुआ, दिल्ली पुलिस की 40 साल की नौकरी करने के बाद मुझे 25-30 लाख रुपए जो मिले थे वो मैंने इनको किस्त वाइज दिया, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैं खत्म हो गया, मैं नहीं समझो मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मैं इतने सुंदर प्यारे देश में मोदी के देश में मारा जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 20 के कुछ सालों में जो गलत स्कीमें हुई, गलत अथॉरिटी में बैठे लोग थे, गलत पॉलिटिशियन थे, इन्होंने जो है कुछ ये नेता थे, इन्होंने जो है ये सब दबा के रखा, और जो प्रोजेक्ट है ये बड़े बड़े हाई तोप हैं, इनसे मिली भगत होने के कारण ये सब इलेक्शन भी लड़े, सब चीज़ हुआ, अपनी रोटियां से किए, अपने बच्चों की शादी महलों में किए, सब कुछ किया इन्होंने, हमें लूटा है, ये समझो कि आज ये कह सकते हैं कि आज हम सड़क पे आ गए, ये 10-20-30-40 हज़ार जितने हैं मुझे नहीं पता क्या संख्या होगी, लेकिन इतने हजारों लाखों में ये लोग नोएडा में, हम देश से इकट्ठे हुए लोग, पता नहीं कौन कहाँ से, मैं भी उत्तराखंड से आया हूँ।